नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया है कि केंद्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में जीएसटी कंपनसेशन की 47,272 करोड़ रुपए की राशि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई में रखी और इस फंड को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए सीएफआई से फंड जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन कैग का कहना है कि खुद सरकार ने ही इस नियम का उल्लंघन किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टेटमेंट 8, 9 और 13 के ऑडिट परीक्षण की जानकारी से पता चलता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कलेक्शन में कम फंड क्रेडिट हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 और 18-19 के लिए 47,272 करोड़ रुपए कम फंड क्रेडिट हुआ। ये जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक्ट 2017 के नियमों का उल्लंघन है। क्या है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट का प्रावधान, चलिए जान लेते हैं। इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी साल में जमा किए गए कुल उपकर कलेक्शन नॉन लैप्स्ड फंड यानी कि जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में क्रेडिट किया जाता है। यह पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी राजस्व की भरपाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन केंद्र सरकार कुल जीएसटी सेस को जीएसटी कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर करने की बजाय इसे सीएफआई में ही रखा। बाद में इसका इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में इस फंड में 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का बजट प्रावधान था। यह रकम राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर जारी की जानी थी, लेकिन उस साल जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के तौर पर 95,081 करोड़ रुपए जमा हुए थे। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इनमें से केवल 54,275 करोड़ रुपए ही कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर किए। इस फंड में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69,275 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर जारी किए गए। इस फंड में पहले से ही 15,000 करोड़ रुपए जमा थे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।